वेलकम बैक। और सुबह सुबह एडिटिंग यार, वीडियो स्टक होगी, लेट हो गई है, वीडियो नहीं अपलोड हो रही, पता नहीं कुछ इशू आ रहा है अपलोडिंग के टाइम पे, FCP सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो पे अपलोड नहीं हो पा रही है, और अभी तक 77 हुई है। यहाँ से कब एक्सपोर्ट होगी और मैं कब अपलोड करूँगा? लड़कियों बन रहे हैं पकौड़े, और कल आरव ने जल्दी सोने दे दिया तभी जल्दी उठ के आज पकौड़े बन रहे हैं सर्दी में गर्म गर्म। और इधर हाँ थैंक्स टू आरव, इधर मम्मी देखो मस्त के पालक है, मेथी है, पालक के पकौड़े, पालक के पकौड़े, पालक की सब्जी, सब्जी भी पकौड़े भी। चलो भैया भाई, सर्दी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, सर्दियां बहुत ज्यादा हो गई है, तो पालक पनीर और पालक के पकौड़े। तो गाइस अभी निकल चुके हैं, और क्योंकि पासवर्ड नहीं बना था उसका रीजन ये था, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहे थे, तो तुमन्ना और मैं वही काम करवाने जा रहे हैं, वो फुली हो जाए देखते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान है कहीं घूमने जाने का, अब पासपोर्ट नहीं बनेगा तो उसके बिना जा भी नहीं सकते। PCC क्या पूछ रही थी, PCC मुझे तो नहीं पता क्या होता। तो पेपर्स और ये फोटोज तो हो गई है, अब देखते हैं कौन सा काम बनता है। बस फाइनली एक ही काम बन पाया यार, और मैरिज सर्टिफिकेट गुरुद्वारे होके आया हूँ, और मैरिज सर्टिफिकेट तो दे दिया बनना, देखो होपफुली कल तक बन जाएगा, और बाकी काम रह गए आधार कार्ड का, एड्रेस चेंज, ये वो सब, सो झंझट है भाई अभी। तो घर आ गए थे, अब दोबारा तुम्हारा याद आया कि ये वोटर आईडी कार्ड पे एड्रेस चेंज होना है, तो अब वहाँ जा रहे हैं दोबारा, घर के नीचे खड़े थे दोबारा बैक करके, अब दोबारा जा रहे हैं वापस। फाइनली काम तो बन गया, वो दे आए एड्रेस चेंज करने के लिए, अब पीते हैं अपना मस्त जूस गाजर का। साले कितने सालों बाद मस्त जूस, क्या बोलना है, एक साल कितने, क्या बोलूँ, एक बात बोलो, बोल ना, अभी कह रही थी एक बात बोलूँ, अब नहीं बोल रही, कैसा है, क्या कह रही थी, कुछ भी नहीं, बता दे, फाइनली रीच, चलते हैं ऊपर और रेस्ट करते हैं मस्त। तो गाइस फाइनली वीडियो अपलोड हो गई थी, इतना ट्राई करने के बाद थोड़ा लेट हो गया, तो वही देख रहे हैं हम दोनों, वृंदावन जाएंगे बताएंगे, वो तो शायद कैंसिल ही होता दिख रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो ये भाई जी नया प्लान लेके आए हैं, अभी जाएंगे हम जयपुर, जयपुर में बताएंगे भाई, जयपुर के टिकट देख रहा हूँ, टिकट कह रहा हूँ, होटल देख रहा हूँ, होटल ही लास्ट से मैं रुका था, उसका प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपया, नहीं 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 किस्त, गाड़ी आ जाएगी डाउन पेमेंट करके, फिर थार ले लेंगे, थार तो नहीं, अरे एक काम कर सकते हैं, क्या बाहर जाके बोर्ड लगा दे हॉलीडे इन घर के बाहर, और अपन क्या करेंगे 31 को अभी रात को चलते हैं बाहर, बुआ घर रुकते हैं, सुबह सुबह बैग लेके वहां से ऐसे करेंगे, वहां हॉलीडे इन में जा रहे हैं, यस कम ऑन, चश्मा तुमने मेरा चुरा दिया, ये मैंने जयपुर पाके जाना है, हाँ जयपुर जाएगा कौन बताते हैं आपको, बताते हैं जयपुर, अब मैं ऐसे बोलूंगा, देखेंगे जयपुर जाएंगे तो बताते हैं आपको, बताते हैं आपको, यार सही लग रहा है, मैंने ही लिया था, राहुल फटाफट चुरा गया मेरे कमरे से ये चीज, चुरा गया, वेल्डिंग तो देखो, अपनी वेल्डिंग, वेल्डिंग वर्ल्ड देखो, क्या वर्ल्ड अराउंड अस, मेरे को और चैनल है वर्ल्ड अराउंड अस, भाई उसका ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, थोड़ा कम कर दो उसे, है हमारे घर के प्रधान, ये देखो इनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, ये हमारे घर के जज हैं तो डिस्कस करने का ना, जयपुर जाना के नया उनको बुलाया गया है स्पेशली, अब ये बताएंगे, हाँ जी तू चल जैसा हमें पोटी भी जाना था, और ये लेके जाते हैं ऐसे, हम मैडम आगे ऐसे करते ना, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, क्या कहे पापा तो मना करे नहीं जाऊंगा, नहीं क्यों मना करे, पापा ने अपनी जवानी में पूरी ऐश कर रखी है, दोस्तों के साथ हर साल नया साल में, पापा जवानी में बोलते थे मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता, ये हवा की तरह उड़ते थे, मैं हवा अब बोलते हैं मैं रुकना ही चाहता हूँ, मैं नहीं थकता, अब उड़ उड़ के थकती नहीं लगाई, अरे इसने लगाई थी मेरे को, छोटा सा, अरे इसने तो छोटे ने तो लगाई थी मेरे को, मैं तो छोटा था, बताओ छोटा था यार, ये सोया हुआ था मेरे को बीच भी, अरे मेरे को आज अरे मेरे को याद है, इसने लगाई थी, खाना बनाने चली किचन में, वो ना मंदिर बनाया हुआ था मैंने पास में, वहाँ से माचिस उठाई इसने, कीले लगा के कम्बल लगाई थी, कम्बल गर्म कर,
मैं चुपचाप बैठ के खाना खा रहा हूँ, मेरे को आग लगी हुई थी। छोटा बच्चा था मैं, वो कैसे समझ छोटे। वो दिन है, आज का दिन है, पापा ने गाड़ी नहीं चलाने दी। और मेरे को ड्राइवर ना आया, और मेरे को ड्राइवर ना आया। जाइए अभिषेक, जाइए राहुल के साथ। आप भी बता क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं और टीना चले जाए। हाँ चले जाओ, अभिषेक को ले जाओ साथ। क्या बोले तो कौन सा ब्रेक बीच का जो हाथ में है, इसने लगा दिया। मैंने मम्मा को भी सिखाया उस दिन, कभी इमरजेंसी में कैसे ब्रेक लगानी है। चाबी करी ऐसे, और गाड़ी आगे पानी था, नहर थी। अरे मैंने कहा ये तो कितने साल का है, छोटा सा था। शादी बब्बू की शादी 5-6 साल का, इतना ही था। 5 साल कितने साल का, 4-5 साल का ही है। 25 हाँ, इतने का 4-5 साल का, 6 साल का हूँ मैं। नहीं, 6 साल का भी नहीं था। 6 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखे तो फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। अरे मुंह में डाला मैंने, आए थे बाहर अभिषेक, मैं, तमन्ना और टीना गए शॉपिंग करने, और हम बोल के आए कि हम कुछ काम जा रहे हैं, और हम पता क्या काम पे आए, दिखाता हूँ। ये जेठालाल का सबसे बड़ा फैन है, चले भी फाफड़ा खाने। कैसे हैं? नंबर जलेबी फाफड़ा खाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। मैंने हैदराबाद में भी खाया, मैंने मुंबई में भी खाया जलेबी फाफड़ा, बट इतना स्वाद जो मेरे को यहाँ मिला ना पानीपत में आके कहीं नहीं मिला। और ये है भैया जो बनाते हैं, अभी इनसे हिस्ट्री। ये है भैया, भैया कहाँ से हो आप? मैं हूँ तो पानीपत से जी। कहाँ से सीखा आपने? ये गुजरात से कारीगर से संपर्क करा था, जब उसने बताया, जब ही हमने स्टार्ट किया है। भाई एक नंबर चीज है, मतलब मैंने उधर भी एक बंदे ने लगाई हुई है पीछे रेडी, वो बोल रहा है हम ओरिजिनल हैं, बट मैंने यहाँ खाया हुआ था, हमारी कॉपी की है। मैं बता रहा हूँ मुंबई में हैदराबाद में मुकाबला नहीं है, इतना स्वाद है। थैंक यू, लोग आके बोलूंगा यहाँ के खा के जाओ भाई, जो भी आ रहा है भाई, एक नंबर भैया, थैंक यू भाई। देखो ये दोनों आ गए, ले आए क्या लेके आए? टॉपस। अरे पर जाइए और 3 प्लेट फाफड़ा जलेबी खा के आए। अरे इतना मजा आ गया ना, गर्मा डैडी को मैंने एक बार खिलाया था ना, कह रहे थे ना भाई बेस्ट। ये जेठालाल इसलिए पागल हो गया, इतना स्वाद, और इतना मजा, इतना स्वाद भाई, लिटरली मतलब ऐसा स्वाद नहीं मिला कहीं जिंदगी में। दोनों लेना तेरे को? नहीं, इसने तो गलत दुकान से लिया था ना इसने, मैं इसको बोल भी रहा था, यही दुकान वो भैया ही बोल रहा था, कह रहे तो अभी खुली है। सुनता उल्टा, मैंने बोला था वो दुकान अच्छी नहीं है, वो जो पहले पहले का खड़ा है वो ज्यादा बेटर। और इसकी चटनी का कमाल है यार भरजाई, चटनी और फाफड़ा भी ऐसा, मतलब मैंने पतला फाफड़ा, मैं बोला मैं भैया मैंने हैदराबाद में भी खाया, बॉम्बे में भी खाया, बड़ा ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अगर ये गर्म गर्म फाफड़ा और देने लग जाए ना, 4 चांद लग जाए। गर्म गर्म तो दे रहा है फाफड़ा, गर्म था, गर्म तो निकाल रहा था। नहीं हाँ, उससे गर्म क्या देगा, एक बार फाफड़ा निकालता है, एक बार जलेबी निकालता है, एकदम गर्म। लोगों को दारू की स्मेल आती है कि हमारी गाड़ी से स्मेल आती है, जलेबी की, फाफड़े की, मोमोज की। यार बस हो गया, चाहे हम मोमोज खाएं चाहे हम जलेबी फाफड़ा खाएं, टीना को तो एक ही चीज चाहिए, कॉफी, 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 कोल्ड कॉफी। जागना। तो आज का दिन यही एंड करता हूँ, और आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, कल का प्लान है, सरप्राइज रखते हैं इसको, कल का प्लान है कि हमने कहीं जाना है, बट वो कल ही बताऊंगा आपको। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।